अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है क्रॉसबो वर्सेस कार 98। मैं जानता हूँ यार, आप क्रॉसबो को हमेशा पबजी मोबाइल में इग्नोर कर देते हो, लेकिन आज के इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप क्रॉसबो को इग्नोर नहीं करोगे। मेरी तरह मैं भी ज़्यादातर क्रॉसबो को ही यूज़ करता रहता हूँ। जब मैं नोवा या जॉर्जिया पुल में उतरता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं क्रॉसबो को उठा लेता हूँ। अगर कार 98 मिल जाए तो मैं कार 98 को वहाँ यूज़ नहीं करता, मैं वहाँ उठा लेता हूँ क्रॉसबो को। गाइस, क्रॉसबो को उठाने का मकसद ये होता है कि इसकी जो डैमेज है ना सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा है। कार 98 से इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा है। तो चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। और गाइस, यहाँ पर मैं एक बात और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। गाइस, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो आपका सपोर्ट था तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ यहाँ पर आया हूँ। चलते हैं गाइस अपने विदाउट टाइम वेस्टिंग के, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन सी गन हमारे पास लॉन्ग रेंज में बेस्ट है और कौन सी गन हमारे पास लॉन्ग रेंज में बेस्ट नहीं है। पहले चेक करते हैं बैकपैक को। गाइस, हमारे पास है एटेक्स, हम कार 98 पे लगा सकते हैं लेकिन क्रॉसबो पर हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर कार 98 को एक पॉइंट मिल जाता है और क्रॉसबो को यहाँ पर हम पॉइंट नहीं दे सकते, ज़ीरो। गाइस, इसकी वजह ये है कि एटेक्स हमेशा हम लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ करते हैं और 6x हम जब हमें एटेक्स ना मिले तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। चलते हैं गाइस विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। ओके गाइस, अब हमारे पास है कार 98, इसका हमें सबसे पहले चेक करना है रीलोडिंग। ओके गाइस, ओके बूम, वन सेकंड। ओके नाइस, रीलोडिंग। 5 सेकंड के अंदर गाइस ये रीलोड कर रहा है, तो इट्स मीन रीलोडिंग की वजह से इसको भी एक कार 98 को 2 पॉइंट मिलते हैं और क्रॉसबो को 0 पॉइंट। तो यहाँ तो अब चलते हैं इसका डैमेज चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा डैमेज किसका है। ओके, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम चेक करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हमने करना क्या है गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इसको ब्लास्ट कर देना टायर को, एक दो शॉटों में गाइस ब्लास्ट हो चुके हैं। ओके, अब चेक करते हैं हम अपना क्रॉसबो को। ओके गाइस, क्रॉसबो 1 और कार 92 बुलेट्स, तो इट्स मीन यार कार 98 का डैमेज बहुत कम है और क्रॉसबो का डैमेज बहुत ज़्यादा है इन मिडिल रेंज, शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। गाइस, लॉन्ग रेंज में गाइस कार 98 ही बेस्ट है क्योंकि इस पर एटैक्स लगता है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग रेंज में बेस्ट है। अगर हम बात करें बुलेट पर सेकंड की, तो गाइस जो बुलेट की रफ्तार है, जो बुलेट जितनी तेज़ी से मूव करता है, वो कार 98 का बहुत ही ज़्यादा है। और हम बात करें क्रॉसबो का, तो वो बहुत ही कम है गाइस, वो बहुत ही कम है। उसका हम अगर बुलेट को चेक करें जो उसकी जो रफ्तार है, तो आप गाइस चेक करें तो वो बहुत ही स्लो है, लेकिन कार 98 का गाइस जो बुलेट का जो रफ्तार है वो बहुत ही फास्ट है, इस सो फास्ट। तो गाइस, डैमेज कार 98 से ज़्यादा क्रॉसबो का है। ये लेवल 3 के हेलमेट को भी तोड़ सकता है। अगर आपके पास लेवल 3 का हेलमेट है, अपोनेंट के पास क्रॉसबो है, तो गाइस वो आपको इजीली किल कर सकता है। तो ये था हमारा शॉर्ट रेंज में टेस्ट, अब हमने चेक करना है लॉन्ग रेंज में टेस्ट। तो गाइस, लॉन्ग रेंज में हमने टेस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा दूर आते हैं पार्किंग एरिए से, और ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास जो क्रॉसबो है वो लॉन्ग रेंज में काम करता है या नहीं करता, आई मीन डैमेज देता है कि नहीं देता। तो चलते हैं गाइस विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग अपने टॉपिक की तरफ। ओके, हमने यहाँ पर एक टायर ऑलमोस्ट सबके तबाह हो चुके हैं। ओके दिस वन, तो गाइस हमने चेक करना है। देखा गाइस, हमारे पास क्रॉसबो यहाँ पर आकर गिर गया है। ओके, अब हमने दोबारा चेक करना है अपने क्रॉसबो को। रीलोडिंग बहुत ज़्यादा है क्रॉसबो का, बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस, आप देख सकते हो हमारा क्रॉसबो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर गिर चुका है, और यहाँ पर ही इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए। तो लॉन्ग रेंज में कार 98 बेस्ट है, और शॉर्ट रेंज में गाइस अगर बात की जाए तो शॉर्ट रेंज में क्रॉसबो बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल वेपन है शॉर्ट रेंज मिडिल रेंज, ठीक है शॉर्ट रेंज और मिडिल रेंज में, लॉन्ग रेंज में क्रॉसबो इज नॉट गुड। ओके गाइस, अब हम आपने देखना ये कि मिडिल रेंज में गाइस और शॉर्ट रेंज में क्रॉसबो इज बेस्ट, लेकिन लॉन्ग रेंज में गाइस इतना अच्छा नहीं है। गाइस आई होप कि आपको ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो पर हम जो लाइक का एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ गाइस 10 लाइक का एम रखते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना है क्या, लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है उसके लिए एडवांस में। थैंक यू।